हेलो गाइस, कैसे हैं आप? और स्वागत है आपका इस वीडियो में। सो गाइस, क्या आप इंडिया में एक मूवी थिएटर खोलना चाहते हो बट आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है? हो सकता है आपके सिटी या स्मॉल टाउन में एक दो ही मूवी थिएटर हो या वो भी ना हो। सो गाइस, अगर आप मूवी थिएटर के बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आप जान पाओगे कि इंडिया में मूवी थिएटर खोलने के लिए क्या प्रोसीजर है, कितनी कॉस्ट आती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और मूवी थिएटर की सारी अंदर की बातें आज आपको पता चल जाएंगी। और ये सारी बातें आपको खुद बताएंगे एक मूवी थिएटर के ऑनर। सो अगर आपका एक मूवी थिएटर खोलने का प्लान हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहना। और अब हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। सो गाइस, शायद आपको याद होगा कि लास्ट ईयर हमने एक वीडियो बनाया था कि मूवीज थिएटर तक कैसे पहुंचती हैं, और उस वीडियो को आप लोगों का बहुत प्यार मिला। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक सवाल हमेशा रहता था कि भाई इंडिया में मूवी थिएटर कैसे खोल सकते हैं। सो गाइस, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस क्वेश्चन पे मुझे वीडियो बनाना है, बट गाइस मैं चाह रहा था कि आपके ये सारे क्वेश्चंस का आंसर एक मूवी थिएटर का ऑनर ही दे, ताकि आपको उस बिजनेस की अंदर तक की बातें सारी पता चल सकें। क्योंकि मैंने नेट में बहुत सर्च मारा बट इसके बारे में उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो आप लोगों के लिए हमने एक मूवी थिएटर के ऑनर का इंटरव्यू लिया है और उनसे इस मैटर में डिटेल में बात की है। सो गाइस, इंटरव्यू का वॉल्यूम थोड़ा कम है, आप अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और ध्यान से सारी बातों को अच्छे से सुनिए और वीडियो क्लास तक जरूर देखें, जिससे आपको सारी बातों का अच्छे से पता चल सके। सो बिफोर वी डू दैट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बालाघाट की बहुत बड़ी हस्ती, मयूर टॉकीज और होटल वैद्य के ऑनर मिस्टर अखिल वैद्य जी। हेलो अखिल जी। हाँ, तो आप हमें बताइए कि सर आपने थिएटर कब खोला और क्या क्या प्रोसीजर थी? मूवी थिएटर ये जो है ये तो काफी पुराना है, करीब 25 साल पुराना है। इसको हमने लास्ट ईयर लीज पे लिया हुआ है। जी सर। लीज पे लेने के बाद में इसको लास्ट ईयर से हम लोग रन कर रहे हैं सक्सेसफुली। एक साल एक महीने के आसपास हमारा हो चुका है इसमें। हिंदुस्तान में ये जो इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट की, सबसे पुरानी इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री का बीच में एक दौर आया था जिस दौर के अंदर में लोगों ने मूवी थिएटर में आना जाना बंद कर दिया था। काफी हद तक मूवी थिएटर में लोग जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसके बाद वापस से इस इंडस्ट्री में एक नया दौर आया है जिसके अंदर में अब आप देखेंगे कि लगातार जो है, चाहे अपन मिनीप्लेक्स की बात करें, मल्टीप्लेक्स की बात करें या नॉर्मल सिंगल स्क्रीन थिएटर की बात करें, तीनों जगह जो है वो कस्टमर्स का रिस्पॉन्स रेगुलरली बढ़ रहा है। पहले साल में दो तीन या चार मूवीज आती थी जो साल में ब्लॉकबस्टर होती थी, अब ये क्वांटिटी बढ़ते जा रही है। जैसे इस साल की बात करें तो इसी साल के अंदर में करीब 7 से 8 ऐसी मूवीज आ गई जो वाकई में ब्लॉकबस्टर हुई है, जिनका बिजनेस 100 करोड़ प्लस का है। जैसे तो नेचुरली इस इंडस्ट्री को, जिस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इस इंडस्ट्री में यूथ के लिए बहुत अच्छा रोजगार का ऑप्शन है और बहुत अच्छा इसका आगे का फिनोमिना है। अब बात अगर अपन करते हैं कि एक टॉकीज या एक थिएटर को या मिनीप्लेक्स को खोलने के लिए अपने को प्लेस का जो चयन है वो कैसे करना चाहिए, तो इसमें हमारी ये सलाह है कि जो भी लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं, सबसे पहले वो अपने आसपास के इलाके की अपनी वायबिलिटी देख लें। भाई मिनिमम एरिया जहां एक सिंगल मूवी स्क्रीन, छोटा अगर मिनीप्लेक्स की बात करें, 100 सीटर की भी बात करें, तो 100 सीटर मूवी स्क्रीन भी अगर खोलना है यहाँ पर, तो उसके लिए कम से कम 50,000 की आबादी उस एरिया की हो, तो ही ये बिजनेस जो है वो सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एरिया देख करके लैंड सिलेक्शन करना है। लैंड सिलेक्शन के बाद में अगर अपन बात करें सिंगल स्क्रीन 100 या 125 स्क्रीन के, तो इसकी अप्रोक्स कॉस्टिंग जो है लगभग 80 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए के आसपास की जाती है, एक्सक्लूडिंग लैंड। ठीक है, तो ये चीजें कंप्लीट करके और इसके बाद में अपन बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के लिए रेगुलर जैसा मैप पास कराना पड़ता है और जो टाउन प्लानिंग और नगर पालिका से परमिशन लगती है वही लगती है इसके अंदर में। सिर्फ मूवी थिएटर के लिए यह है कि इसके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटीज ज्यादा है, इसमें फायर सेफ्टी से भी लेना पड़ता है हमको, एक्साइज ऑफिस से भी लेना पड़ता है, कलेक्टर से लगता है और नगर पालिका से, इन सबसे जो है फिल्म सेंसर बोर्ड, इनसे सभी से हमको एनओसी लेनी पड़ती है। इतनी पूरी एनओसी लेने के बाद ही हम एक मूवी थिएटर रन कर पाते हैं वहाँ पर। और सर जो मूवीज होती हैं, आप सैटेलाइट के थ्रू उन्हें दिखाते हैं या डीसीपी के थ्रू दिखाते हैं? डीसीपी तो अब आउटडेटेड हो गया है एक चीज, इसमें अब पूरा जो है वो सैटेलाइट बेस्ड कॉन्सेप्ट हो गया सब जगह। बहुत सारी कंपनीज है जो इसमें काम करती है, जिसमें एक बहुत लीडिंग कंपनी यूएफओ है, वो इंडिया की
टॉप ब्रांड है जो सबसे ज्यादा मूवीज थिएटर जो है वो कैप्चर करके रखी यूएफओ ने। सबसे ज्यादा प्रोजेक्टर भी जो है वो यूएफओ के ही लगे हुए हैं यहाँ पर। यस सर। सो सर, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह सब कैसे अरेंज होता है कि मूवीज? डिस्ट्रीब्यूटर्स तो एरिया बेस्ड होते हैं, हर रीजन में जैसे दो तीन स्टेट मिला करके और एक एरिया होता है जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उस मूवी के, हमको उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। या फिर इस लाइन में जो है जैसे ब्रोकर होते हैं वैसी इस लाइन में ब्रोकर होते हैं, वो ब्रोकर जो होते हैं वो मीडिएटर का काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर ऑनर के बीच में, उन दोनों के बीच में मीडिएटर बन करके, और वो ब्रोकर जो है वो आपके लिए मूवी परचेस करने का काम वो लोग करते हैं। और सर, मिनिमम लैंड एरिया आपने कितना बताया इसके लिए? मिनिमम लैंड एरिया देखिए, अगर एक मिनीप्लेक्स की बात करेंगे तो ये मान के चलिए अप्रोक्स 4 से 5 हजार स्क्वायर फीट एरिया जो है ये सफिशियंट होता है। पार्किंग के लिए जरूर 2 से 2.5 हजार स्क्वायर फीट लैंड एक्स्ट्रा लगती है उसके अंदर में। यस सर। अगर एक सिंगल मूवी थिएटर डालते हैं अपन, सिंगल स्क्रीन 100 से 125 सीट का उसके लिए। बाकी के जो इक्विपमेंट्स जो इसमें लगेंगे, हाँ, उन सब की क्या कॉस्ट होती है? टोटल प्रोजेक्ट 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच का है, जिसके अंदर में आपका देखिए स्क्रीन आ जाती है आपके, इसके बाद में साउंड प्रूफिंग आ जाती है, साउंड सिस्टम्स आ जाते हैं और अपना चेयर्स आ जाती है, इसके अलावा जो इंटीरियर वगैरह ये सब इतने में आराम से कैप्चर हो जाता है। और जहां तक बात है प्रोजेक्टर की, तो प्रोजेक्टर जो है वो यूएफओ जैसी कंपनीज जो होती है ये रेंटल बेसिस पे देती है, जिसके अगेंस्ट में वो लोग क्या करते हैं कि आपको रेंटल बेसिस पे देते हैं, उसके अगेंस्ट में ऐड दिखाते हैं। जो ऐड आप दिखाते हैं, जितनी ऐड अगर आप ज्यादा दिखाएंगे और प्रॉपर वे में ऐड पूरी दिखाएंगे तो आपको रेंटल जो होता है वो नॉक ऑफ हो जाता है। 90% केस के अंदर में रेंटल आपको पे नहीं करना पड़ता, या पे करना ही पड़ता है तो बहुत मिनिमम अमाउंट 1000-2000 रुपए पर वीक का होता है, इससे ज्यादा अमाउंट नहीं होता उसके अंदर में। ओके, तो सर इसमें अर्निंग कितनी हो सकती है? अर्निंग्स का ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए अर्निंग्स तो मूवी पे डिपेंड करती है, जो मूवी अच्छी आती है लोगों को पसंद होती है उस मूवी के हिसाब से जो है वो अर्निंग्स डिपेंड करती है। यहाँ पर कुछ अच्छी मूवीज आती है तो नेचुरली अर्निंग ज्यादा होती है, और नहीं तो कुछ मूवीज ऐसी आती है जब हमको ढूंढना पड़ता है कि दर्शक कहाँ है, तो ये डिपेंड करता है मूवीज पर। तो सर, एक फ्लॉप मूवी आपके लिए भी फ्लॉप मूवी होती है? हाँ, एक फ्लॉप मूवी हमारे लिए बहुत बड़ी फ्लॉप होंगी, क्योंकि हमारे पूरे जितने एक्सपेंसेस हैं वो तो फिक्स है, स्टाफ की सैलरी से लेकर बिजली बिल से लेकर मेंटेनेंस, हर चीज हमको देना ही है। अगर मूवी अगर अच्छी नहीं होगी तो वो तो हमारे लिए बेसिकली बहुत नुकसान का काम है। और सर, ये बॉलीवुड हॉलीवुड का भी कुछ क्या सिस्टम है? बॉलीवुड हॉलीवुड का सिस्टम, बॉलीवुड मूवीज हॉलीवुड मूवीज अपने यहाँ पे मेनली यहाँ पे जो है 3 किस्म की मूवीज आती है इंडिया में, हॉलीवुड, बॉलीवुड और थर्ड आती है टॉलीवुड। टॉलीवुड मतलब ना साउथ इंडिया की जो डब मूवीज आती है वो, अभी उसका कस्टमर बेस बहुत एक अलग है, उसके चाहने वाले लोग काफी अलग होते हैं कि बाहुबली आ गई तो अपने आप में बहुत बड़ी मूवी होती है आज की तारीख में। उसमें रिसेंट में एक मूवी इसमें आई थी साहो करके, वो बिजनेस उसने भी 100 करोड़ प्लस का बिजनेस किया, काफी अच्छा बिजनेस किया हुआ उस मूवी ने। और इंडिया में जो हॉलीवुड मूवीज है इसका मेन डिस्ट्रीब्यूटर फैंटम टीवी है, फैंटम वाले जो है वो उनको मेनली उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहां पर। चैनल सेम होता है चाहे हम बॉलीवुड मूवी लें चाहे हम हॉलीवुड मूवी लें, सेम डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये सब काम करते हैं, उन्हीं से कॉन्टेक्ट करके मूवीज ली जाती है हमारे। हाँ सर, तो हमारे ऊपर है कि हम अगर चाहें कोई हॉलीवुड मूवी लगा लें या बॉलीवुड लगवा लें। नहीं, हमारे ऊपर भी है और बहुत कुछ चीजें जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स पे भी रहती है। कई बार होता है कि बहुत अच्छी मूवी है जो हमारे पास रेगुलर चल रही है, लेकिन उसके बावजूद किसी डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेशंस ऐसे होते हैं कि उसकी कोई नई मूवी रिलीज होती है तो वो अच्छी चलती मूवी रोक करके भी वो लगाना पड़ता है। और कई बार इस चीज में बहुत लॉस होते हैं। तो लगभग हमने मूवी से रिलेटेड, थिएटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सर से पूछ लिए हैं, और अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप हमसे फिर भी पूछ सकते हैं। और मैं इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अपना इतना मूल्यवान समय निकालकर हमसे बातें की। और जितने भी हमारे बालाघाट के दर्शक लोग हैं, मयूर टॉकीज तो वो अच्छे से जानते ही हैं, और आइए मूवी देखिए। हाँ, यही बोलेंगे हम, आइए और वहां के जो चेंज है उसको आप महसूस कीजिए एक बार आकर के, काफी कॉस्ट इफेक्टिव है आपके लिए। yes, मैं तो बोलूंगा विद फैमिली आइए और आकर एक बार आप एंजॉय कीजिए उस चीज को, और कुछ फीडबैक हो आप इस चैनल पे भी शेयर कीजिए, डायरेक्टली मुझसे भी शेयर कर सकते हैं इस चीज को। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए? और अगर अभी भी कोई डाउट हो
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके के वीडियो बनाते रहें, तो आप हमें टॉपिक सजेस्ट कीजिए। आप हमें बताइए कि आपको किस बिजनेस की डीप में इन्फॉर्मेशन चाहिए, और हमसे जितना हो सकेगा हम उतनी डीप में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, सारी मेहनत आप लोगों के लिए ही थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ऐसे ही काम के वीडियो आपको हमेशा इस चैनल में मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करो यार। उन्हें भी बताओ कि एक मूवी थिएटर कैसे खोल सकते हैं, पता नहीं उनका फ्यूचर में प्लान बन जाए मूवी थिएटर खोलने का ये वीडियो देखने के बाद। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।